हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 अक्टूबर के जितने भी करंट बेस के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो कि डेली बेस पे कराया जाता है और वीकली भी आपको रिवाइज कराया जाता है ताकि आप भूले मत, जो कि रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसका वेटेज कभी कभी 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, जिसको इंटरनेशनल स्टमरिंग अवेयरनेस डे बोला जाता है, ये आपको कब मनाया जाता है? तो हर साल इसको 22 अक्टूबर, याद रखिएगा, जो दिवस से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो 22 अक्टूबर को जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो बहुत सारे जो लोग लगभग देखेंगे तो भारत में 1.5 जो % लोग है, ये आपके हकला के बात करते हैं, मतलब शुद्ध वाक्य नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे आपके आसपास में लोग होते हैं जिन लोग जो है मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते, हकला के बोलते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो इन्हीं लोग को यहाँ पे जागरूकता एक तरह के उनको मोटिवेट करने के लिए जो खास करके दिवस को उन लोग के लिए चुनी गई है। तो मतलब किसी के हमको मतलब किसी के वो नहीं करना चाहिए, वो अपने अपने तरफ से जो है आपका कुछ कमी होती है इंसानों में, तो ये जो लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस को चुनी गई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको IRCT जो रेलवे के जो कंपनी है, रेलवे कंपनी, इसके CMD के नियुक्त हाल ही में जो आपका जो IRCT है, ये रेलवे की कंपनी है, तो इस कंपनी के हाल में जो CMD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो संजय कुमार जैन इनको हाल ही में जो आपका IRCT के जो इनको CMD के रूप में चुना गया। IRCT क्या करते हैं? तो रेलवे की कंपनी जो कि आपके जो खाने पीने के, जो आप ट्रेन में रहते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन में, तो खाने वाने की व्यवस्था करते हैं, साथ ही साथ जो पर्यटन क्षेत्र पे है उस पर भी आपका व्यवस्था कराती है, साथ ही साथ जो टिकटिंग के जो बुकिंग वगैरह जो सभी ऑनलाइन जो व्यवस्था आप इसी साइड में आपको देखने को मिल जाती है। आई थिंक आप बुकिंग वगैरह भी करते हैं, तो ये जो रेलवे की कंपनी जो कि ये सब व्यवस्था आपका करती है। तो हाल ही में जिसके CMD के रूप में संजय कुमार को जैन को उनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह कौन है जी? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने हाल में भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है। कहने का मतलब है यहाँ पे, इसके कहने का मतलब यही है कि तो मतलब एक तरह का सो हमारे जो भारतीयकरण है, मतलब कोई भी जैसे प्रोडक्ट तैयार होती है तो एक तरह मेड इन इंडिया अपनाया जाए, मतलब भारत की जो हमारे जो देश के जो सामान, इसको ये आपका प्रोडक्ट यूज करो, ऐसा करके एक तरह के भारतीयकरण को ये बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को उद्धव नाम दिया गया हमारे राजनाथ रक्षा मंत्री और जितने भी हमारे सेना में जो हथियार वगैरह बनते हैं, तो लगभग 70 से 80% जो प्रोडक्ट अब भारत से ही मतलब बन रहे, मतलब दूसरे देश पे ज़्यादा आश्रित होना नहीं पड़ रहा, इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने उद्धव को लॉन्च किया और भारतीय को ये आपका बढ़ावा दिया जा रहा है हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर, हर सेक्टर में इसी को इनके द्वारा उद्धव लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है, जिसको संप्रति, इसको बोलते हैं संप्रति एक, ये आपके जो है आपका, तो इसका नाम है आपका संप्रति, ये आपका संपन्न, संप्रति कई बार एग्जाम में देखे होंगे, संप्रति कौन कौन से देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो हमारे भारत या और आपका बांग्लादेश, बी ऑप्शन। तो संप्रति ये आपका भारत और बांग्लादेश के एक सैन्य अभ्यास है, मतलब एक तरह का जो सेनाओं की शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, एक तरह का अभ्यास किया जाता है आपका बांग्लादेश और भारत के बीच, ये जो सैन्य संप्रति आपका संपन्न, एक सैन्य अभ्यास है, एक तरह का शक्ति मजबूत बनाना है सेनाओं की शक्तिशाली को और लड़ने की आपका क्षमता को, एक तरह का दोनों देश के बीच अच्छे संबंध भी है, तो एक तरह का अलग अलग देश के बीच अभ्यास कराया जाता है। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रोहित शर्मा, विजय देवरकोंडा, रणवीर कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय देवरकोंडा, ये आपका साउथ के जाने माने एक्टर हैं, सभी जानते हो विजय देवरकोंडा को, बहुत सारे मूवी हैं इनकी। तो जो फायरबोल्ट जो कंपनी है, जो आप हेडफोन
जो यूज करते हैं बोल्ट कंपनी की, ये जो हाल ही में जो अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे डिजिटलीकरण के लिए यहाँ पे एक तरह का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विजय देवरकोंडा को बनाया गया, तो ये साउथ के जाने माने एक्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? रोम, पेरिस, बर्लिन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये आपके बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था, और पहले बार इसको 2009 में ये आपका 2009 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, और इसको हर साल ये जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के प्रति एक खास करके लोगों को एक तरह के यहाँ पे जो हमारे वैज्ञानिक शोध करता है, ये जो नए नए यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कोरोना हो गया, इस तरह के जो नए नए बीमारी होते भी एक शोध करते हैं, और इस पर उपचार करने के लिए जो अलग अलग जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच ये अलग अलग देशों के बीच ये सम्मेलन किया जाता है, तो कि जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपके महत्वपूर्ण कदम उठा सके, इसी तरह का जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन में आयोजन किया गया था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये आपका 907 हो गया, याद रखिएगा। तो ये आपके भारत की रिपोर्ट है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात 904 से आपका बढ़कर कितना हो गया, 907 हो गया। लिंगानुपात यहाँ पे महिला और पुरुष के जो लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, तो आपका 904 से 907 हो गए, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? जोमेटो, स्विगी, उबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोमेटो सभी जानते हैं, तो जोमेटो के साथ समझौता किया है। IRCTC सभी बताया हूँ, रेलवे की कंपनी जो आपके खाने पीने की व्यवस्था, पर्यटन जो घूमने जाते हैं उसकी व्यवस्था, और साथ ही साथ टिकटिंग की व्यवस्था, ये आपको इस संस्था को चुनी गई, इस कंपनी को, रेलवे की कंपनी है। तो हाल ही में जो प्री बुक किए गए जो भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साथ आपका डिलीवरी के लिए जोमेटो को आपका समझौता इनके साथ किया गया, साझेदारी किया गया, मतलब खाने के जो डिलीवरी आप जोमेटो के हाथ से आपको दिया जाएगा, पहले IRCTC के साथ दिया जाता था, लेकिन आपको जोमेटो के साथ दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गाजा संघर्ष में शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो आपके मिस्र में आयोजित होगा, कि आपका अभी देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल गाजा वगैरह बीच में बहुत सारे अभी युद्ध अभी भी चल रही है, जो कि इस एक तरह का देखें तो इसमें मानवता की मिराश हो रहा है एक तरह से देखेंगे, तो इसी तरह के यहाँ पे शांति शिखर सम्मेलन जो है आपका मिस्र में आयोजन किया जाए, ताकि यहाँ पे उन विभिन्न मुद्दों कैसे शांत किया जाए, इस मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ पे इसका इस देश में मिस्र में आयोजन किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका गोंडा, उत्तर प्रदेश में आता है गोंडा, जो गोंड जनजातियों के द्वारा इसका जो मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, तो ये आपका मिशन शक्ति कैफ़े है क्या? तो खास करके जो अभी नवरात्रि में महिलाओं के उनके यहाँ पे लगभग 11,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पे एक तरह का उनकी भोजन व्यवस्था की गई थी, जो कन्याओं खाना खिलाया जाता, उसी तरह के लगभग 11,000 से 12,000 महिलाओं को यहाँ पे खाना खिलाएं यहाँ पे जनजातियों के द्वारा, तो ये जो है आपका वर्ल्ड आपका गिनीज बुक में आपके इसको रिकॉर्ड भी किया, अभी तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, जो महिलाओं को यहाँ पे खाना खिलाया जो नवरात्रि में, इसी तरह इसको नाम दिया गया है मिशन शक्ति कैफे, इसको नाम दिया गया कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोंडा जनजाति के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? तो आपके गिरीश दत्त शुक्ला, सी ऑप्शन। गिरीश दत्त शुक्ला एक जाने माने ऑथर हैं, लेखक हैं, साथ ही साथ एक उपन्यासकार हैं, तो इन्होंने हाल में उनके जो कोल्ड जो ब्लडेड लव है इनकी उपन्यास लिखी गई है, और ये आपके किस पे आधारित है, जो ये आपका जो बुक है ये आपके खास करके जो पारिवारिक जो मुद्दे फैमिली के बीच में उन मुद्दों को यहाँ पे फैमिली पे बेस है ये उपन्यास, तो कभी पढ़िएगा, ये चाहे गूगल से बुक भी ले सकते हैं, ये आपके फैमिली से जो हम रहते हैं उस पर बेस्ड है ये बुक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ओ एस सोमनाथ जी वर्तमान में अभी इसके अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ये आपके आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सभी जानते हैं,
तो श्री हरिकोटा में आपका परीक्षण इन्होंने किया है क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, तो गगनयान लॉन्च किया गया है, तो सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो गया है गगनयान, जाके देखिएगा इसरो के आपको यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया है, इसको तीन फेज में किया जा रहा है। एक तो पहला आपका रोबोटिक, दूसरा में आपका नहीं पहले आपका मशीनी, फिर रोबोटिक, और थर्ड में आपका मनुष्य किसमें भेजा जाएगा। इसी तीन जो लेयर है इसको क्रू एस्केप नाम दिया गया है। तो ये आपका गगनयान ने पहले आपका भेज दिया है मशीनी, फिर इसके बाद आपका रोबोटिक, थर्ड में आपका मनुष्य को भेजा जाएगा। तो ये आपके खास करके यहाँ पे परीक्षण के लिए इसरो के द्वारा इसको भेजा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है, तो आपका जापान देश बनाया गया। जो अपने हथियार वगैरह है ये सब एक तरह के यहाँ पर इसको जो अपतटीय जो यहाँ के जो क्षेत्र है समुद्री क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च की है। आपका जो समुद्री जो यहाँ पे जो जो आतंकवादी लोग जो यहाँ पे युद्ध वगैरह कर देते हैं अचानक से, उनको लड़ने के लिए तो एक तरह का हथियार तैयार कर रही है, जो इसमें मिसाइल सिस्टम पूरा AI से यहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे जो संगठन होते हैं ऐसे माओवादी संगठन होते हैं जैसे आतंकवादी वगैरह अचानक से यहाँ पे युद्ध कर देते, इसी को लड़ने के लिए यहाँ पे जापान ने इस तरह के जो रेलगन को इन्होंने लॉन्च किया है अपने सुरक्षा के लिए। जापान की बात करूँ यहाँ की राजधानी है टोक्यो, और फोमियो किसदा यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहा मुंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है, तो इसके जो पता लगाया है आपका लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ के जो शोधकर्ताओं ने भूवैज्ञानिकों ने मुंगा चट्टान, ये आपका मुंगा चट्टान जो आपके समुद्र में पाई जाती है और समुद्र के लिए जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका काई टाइप का आपका जमा रहता है। तो जो मुंगा चट्टान जो आपके बहुत सारे मतलब कई सालों से आपका जमा होता है, इसको ही मुंगा चट्टान बोलते हैं। ये आपका जीवाश्म को जो कहाँ पता लगा है, तो लद्दाख के यहाँ के शोधकर्ताओं ने यहाँ पे लद्दाख में आपका पता लगा है, मतलब बहुत सारे पुराने साल दबे हुए रहते हैं, तो ये आपका खोज के अनुसार यहाँ पे पता चली है, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में जो भारत टेक्स 2024 है क्या, तो इसको पहले समझते हैं। तो भारत टेक्स 2024 से खास करके जो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो छोटे छोटे जो हाथों से तैयार किया जाता है, उन लोग को एक तरह का एक जगह इकट्ठा करके जो बिजनेस सेक्टर है कपड़ा उद्योग का, और इसको आगे बढ़ाने के लिए सभी को पता है भारत जो कपड़ा उद्योग है एक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इस तो कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक तरह का आपका भारत टेक्स 2024-23 में आयोजन, मतलब हर साल आयोजन किया जाके कपड़ा उद्योग को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, देश विदेश तक यहाँ पे जो है एक ये तरक्की एक तरह हो जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में बहुत हेल्प करती है आपका ये जो सेक्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो प्रगति मैदान है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत टेक्स आयोजन किया गया था, तो इसको याद रख, पीयूष गोयल जी इसका उद्घाटन किया था। तो एक तरह का जो कपड़ा उद्योग इसको इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपको इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।